जैसे कि हमारे मतलब इतिहास को पुराण बोलते थे, तो ये पुष्कर की कथाएं हैं, तो इसमें पुष्कर की कथाएं हैं, पर जो एक पर जो टेक्स्ट जो लिया है मैंने पुष्कर के लिए, तो पद्म पुराण से नहीं लिया है। पद्म पुराण की कथाएं तो मुझे मालूम है, पर जो पद्म पुराण की कथाएं हैं उसका टेक्स्ट लेके एक इटालियन राइटर हैं रॉबर्टो क्लासियो, तो उन्होंने कश्मीर ये पुष्कर की कथाएं और जो उधर की जो माइथोलॉजी है उस पर काफ़ी काम किया है, पुष्कर की नहीं भारतीय मिथक और कथाओं पे। तो एक तो जो कथा है जो ब्रह्मा जी के पांचवें मस्तक की फिफ्थ हेड, तो उसके बारे में उन्होंने बड़ा अच्छा विवरण दिया है, एक वो दिया है। दूसरा उन्होंने प्रजापति का किस तरह से ब्रह्मा में रूपांतरण होता है पौराणिक समय में, तो नाम कैसे बदलता है, दो। और तीसरा जो है उन्होंने अश्वमेघ पे एक टेक्स्ट लिखा है जो प्रजापति से संबंधित है, हॉर्स सेक्रीफाइस। तो इन दो को लेके, और तीसरी कथा जो है कि पुष्कर की उत्पत्ति जो है वो कथा मैंने क से नहीं ली है, मतलब रॉबर्ट क्लासियो के उससे नहीं ली है। क वो प्रजापति को मानते हैं, तो वो कथा आपको वो कथा सुनाऊं पुष्कर जी की। मतलब ये कथा जो है मैं बचपन से सुन रहा हूँ, और करीब करीब मेरा अधिकतर काम जो है इसी कथा का रहस्य क्या है वो ढूंढने में निकल जाता है, और मैं इसकी तरह तरह की विवेचनाएं करता रहता हूँ। तो अंग्रेजी हिंदी चलेगा ना? हाँ हाँ। तो उसमें कथा इस प्रकार से कि ब्रह्मा जी जो है, ये वैदिक कथा नहीं है और ये उपनिषदी कथा नहीं है, ये पौराणिक कथा है। तो ब्रह्मा जी के पास जो है उनके उनकी पूजा का कोई स्थान नहीं था धरती पर, बाकी देवी देवताओं का था। वैसे तो ब्रह्मा अधिक प्राचीन है मतलब बाकी देवी देवताओं के साथ, पर उनके पूजन का कोई स्थान नहीं था। तो बड़े चिंतित हुए कि मेरे लिए भी कोई पूजा का स्थान होना चाहिए। तो उनके उन्होंने एक पुष्प हाथ में लिया, नीला बोलते हैं, नीला नील कमल, तो वो जाके उन्होंने उछाल के फेंका, और वो फेंका तो धरती पे गिरा, तो वो तीन बार उछला तो तीन झीलें प्रकट हुई। लोग बोलते हैं कि पुष्कर जो है वहाँ तीन झीलें हैं, लोग बोलते हैं मेटेरॉइड है, कोई मेटेरॉइड गिरा था वहाँ, पर ये कमल गिरा था। तो पुष्कर मतलब पुष्प, कर इसको बोलते हैं रिस्ट को, तो ये गिरा। तो कर करीब करीब वर्ब भी है, क्रिया भी है ना, बोले जा ये कर, तो कर जो है वो क्रिया भी है, वो क्रियाएं हाथ और रिस्ट से ही होंगी ना, तो पुष्कर, तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक ए वर्ब। तो वो जो गिरा तो वहां तीन झीलें प्रकट हुई, तीन झीलें प्रकट हुई, तो जाके सब देवी देवता जो हैं अपने अभी चलो वहीं यज्ञ करेंगे, शुद्ध करेंगे उस स्थान को। तो सारे देवी देवता जो है ना अपने अपने वाहनों में, सबके वाहन होते हैं, किसी का मोर है, किसी का चूहा है, किसी का हाथी है, किसी का घोड़ा है, और किसी का कुछ रथ होगा। तो जाकर सारे के सारे देवता जो है ना स्वर्ग से उतरे और जाके अपने पुष्कर जी पे यज्ञ प्रारंभ किया। अभी यज्ञ होगा, तो यज्ञ होगा तो लोग भी आएंगे, क्योंकि खाना पीना चाहिए, रहने का प्रोग्राम चाहिए, गाड़ी की व्यवस्था चाहिए, केटरिंग चाहिए, सब चाहिए। तो धीरे धीरे वो जो है ना देवी देवता आए, तो उनका उनका जलसा चल रहा था, टेंट तंबू मार्केट बाजार, तो सामान भी चाहिए मतलब जलसा हो रहा है। तो वहाँ जाके बहुत बड़ा मार्केट खुला, लोगों को पता पड़ा कि देवी देवता उतर के आ रहे हैं अपनी धरती पे, दूर दूर से लोग भी आएंगे दर्शन के लिए। तो बड़ा भयंकर यज्ञ का आयोजन हुआ। यज्ञ में फिर कई घटनाएं हुई कई प्रकार की। तो जैसे तो एक घटना जो शुरू होती है वो ये है कि अभी ब्रह्मा जी जो है उनको अपनी पत्नी के साथ धरती पे, वो उसको यज्ञ वेदी पे बैठना है, तो वो जो है ना सही टाइम पे आ नहीं रही थी,
वो मुहूर्त निकला जा रहा था, वो अपनी वो जो सहेलियां हैं उनके साथ श्रृंगार में, मतलब लेडी जो लेटी आती हैं तो श्रृंगार वृंगार में अपने लगी हुई थी, वो लेडी तो थोड़ा लेट आएंगी तभी उनका स्टेटस का पता पड़ता है, तो वो जाके मेकअप रूम में अपने बैठी हुई थी, श्रृंगार कर ली थी। तो इधर मुहूर्त निकल रहा है, सब चिंतित हो रहा है, मुहूर्त निकला तो फिर यज्ञ हो नहीं पाएगा। तो ये नारद जी जो है ना, ये इनको ये सब में झगड़ा कराते थे, तो इन्होंने बोला कि इस बार मैं माता पिता में झगड़ा कराऊंगा। तो वो जानबूझ करके उसको माँ को बोले, सावित्री को, कि आप आराम से आइए, आप इतनी महारानी हैं तो आपको क्या है। तो वो भी लेट आ गई, अकड़ गई। तो ये ब्रह्मा जी ने बोला मुहूर्त निकला तो कोई तो चाहिए। तो इंद्र भगवान जो है ना, वो जाके उन्होंने क्या करा कि गुजर लड़की जाती थी, उधर ही गुजरों का इलाका था वो पुष्कर, अभी भी आज भी वहाँ गुजरों का इलाका, कोई कहीं मर जाता है तो उसकी लाश को केवल पुष्कर में ला के जलाया जाता है। तो उन्होंने क्या करा कि गुजर लड़की आ रही थी, तो उन्होंने गुजर लड़की को गाय के मुंह में डाला, मुंह में डाल के उसको गाय के शरीर से पार कराकर उसको उसके पृष्ठ भाग से खींच के निकाला, और जाके वो शुद्ध हुई, इसलिए उसका नाम गायत्री पड़ा। अभी मैं बाद में मैं आज तक सोचता रहता हूँ कि यार ऐसा कैसे कर सकते हो, कोई मूर्त रूप है, शरीर रूप है, उसको आप गाय के मुंह से कैसे करा। तो फिर मेरे को एक काट मिली थी इसकी, कि उसको उन्होंने क्या किया कि वो जो गुजर कन्या थी उस पर मंत्र डाल के उसको पहले घास में बदला, घास में बदला, तो अब तो घास तो गाय खा सकती है, तो गाय ने घास को चरा, वो उसके पेट से घास हुई, उससे गोबर हुआ, गोबर से उन्होंने मूर्ति बनाई फिर एक कन्या की, और जाके फिर उसको मंत्र से मंत्र डाला उस पर और उसको पुनः जीवित किया। ये ट्रांसफॉर्मेशन से, ट्रांसफॉर्मेशन तो प्रकृति में होते ही अलाव है, मतलब कल्पना आपको अलाव करती है कि एक चीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन दूसरी चीज़ से हो सकता है। तो ये जैसे मेरी कल्पना मैंने बाद में जोड़ी, जो मैं अपने पुराण कल्पनाएँ का कल्पनाओं का इस्तेमाल करता हूँ बाद में। तो ये तो उसको डाके बैठाया हुआ, तो शादी चली भाई, शादी हो गई उनकी, तो दूसरी पत्नी हो गई है। तो जब सावित्री आई तो उन्होंने ये बोला कि ये क्या कांड हो गया, तो बड़ी गुस्सा हुई, तो उन्होंने गायत्री को श्राप दिया कि कुछ उसका श्राप मेरे को याद नहीं है, गाय को श्राप दिया कि तू मल में मुंह मारेगी, मतलब कचरा खाएगी। ब्राह्मणों को श्राप दिया कि तुम दरिद्र रहोगे। इंद्र को श्राप रहोगे कि तुम्हारा सिंहासन डावाडोल हो जाएगा, और वो वाला जो अहिल्या वाला जो हुआ था उनके साथ वो कांड, वो अग्नि को दिया कि तुम भक्षण करोगे हर चीज़ का। तो सब देवताओं को उसने एक एक श्राप दिया। तो गायत्री में भी सिद्धि आ चुकी थी, तो उन्होंने फिर उस श्रापों का काट दिया कि जैसे ब्राह्मणों को बोला ठीक है दरिद्र रहोगे पर विद्वान रहोगे, तो इस तरह से उनकी काट है। तो उसका पूरा की पूरा एक सिस्टम बनाया गया है। सावित्री ने ब्रह्मा जी को काट दिया कि जा तेरा कहीं पूजन नहीं होगा, मतलब कि तूने अपनी स्त्री को छोड़ा। तो फिर उसकी काट में बोला कि चलो सिर पुष्कर में यहाँ पे तुम्हारा पूजन होगा। तो फिर क्या हुआ कि ब्रह्मा जी ने पानी को भर दिया, जल को, कि इसमें जो भी नहाएगा डुबकी लगाएगा वो सीधा स्वर्ग की तरफ जाएगा। तो क्या हुआ कि लोग जो है ना पाप पुण्य जो भी कुछ करके, चोरी चपाटा अपराध मर्डर कत्ल ये झूठ प्रपंचा कुछ भी करके वो सीधा पानी में करते और जाके सीधा स्वर्ग में चले जाते। तो ये कर्मों का जो सिस्टम था, अकाउंट सिस्टम, वो गड़बड़ा गया संसार में, और स्वर्ग जो है ना वहाँ जनसंख्या विस्फोट होने लगा। तो ये देवी देवता जो ना त्राही त्राही, यहाँ तो हमारे रहने की जगह नहीं है, और ये सारे की सारी पब्लिक जो है ना देश की आ रही है और वहाँ जाके कुछ भी करते हैं, ये कोई कंट्रोल नहीं है इन पर। सारा के सारा जो मॉरल सिस्टम जो है, मॉरलिटी का, नैतिकता का, वो तो हो गया, तो इससे तो संसार चलेगा नहीं। तो ब्रह्मा जी के बोलो बोलो बहुत सभी कुछ करो यार, आप क्या कर रहे हो ये।
तो बोला देखो मैंने अपना वर्ड दे दिया है, इसको अब मैं वापस तो ले नहीं सकता हूँ, अब क्या करूँ? मतलब अगर मैं वापस ले लिया तो इसका मतलब हम भगवान नहीं रहे, हम लोग देवता नहीं रहे, वचन दे क्या आप? तो उन्होंने बोला एक काम मैं कर सकता हूँ, मैं क्या करूँगा, ये जो धरती पे जो पुष्कर है, जो साल भर स्वर्ग जहाँ रहते हैं हम, तो मैं इसको उठा के, यहाँ से उठा के मैं उसको आकाश में रख दूंगा, अंतरिक्ष में पुष्कर, तो अब कोई जा नहीं सकता, तो असली पुष्कर जो है मैं उसको स्थापित कर देता हूँ पुष्कर में, आई मीन आकाश में, और जो ये पुष्कर है वो उसकी छाया मात्र है। तो सिर्फ कार्तिक शुक्ल के अंतिम दिनों में 11 से लेके पूनम तक आप आह्वान करके इस पुष्कर को धरती पे बुला सकते हैं। तो जब ये छाया है जो पुष्कर पे जो साल भर रहती है, और ये जो माया है ऊपर जिसको मैंने स्थापित किया है पुष्कर को, मतलब असली पुष्कर को, वास्तविक पुष्कर को, वो आके मिलेंगे। जब वो मिलेंगे तो उसमें उस क्षण वो जो 5 दिन वो जल जो है ना उसकी प्रकृति बदल जाएगी, और उसमें वो देविक गुण फिर से आ जाएगा, वो जो आपके पाप धोने का। तो 5 दिन आके लोग नहा सकते हैं और पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं और स्वर्ग जा सकते हैं। तो अब मेरे साथ मतलब मेरे अभी भी मैं इसी बात पर सोचता हूँ कि अब अगर असली पुष्कर आकाश में है तो ये तो उसकी छाया मात्र है, तो ये छाया का जीवन किस प्रकार का होगा, और जो वास्तविक पुष्कर है जो अंतरिक्ष में है तो उसकी किस प्रकार की प्रकृति होगी? तो वो तो है तो इमेजिनेशन, इमेज है और ये छाया है। तो मैं इस निर्णय पर पूछा मेरा कि जो इमेज जो है ना वो कॉन्क्रीट नहीं होती है, वो जो होती है ना वो दिखती नहीं है, वास्तविक होती है पर वो दिखती नहीं है और वो कॉन्क्रीट नहीं होती। जो उसका जो रूप है वो छाया में है, उसका जो प्रतिबिंब है वो नजर आती है, पर जो इमेज है, तो इमेज जो है जैसे अपन बोलते हैं इमेजिनेशन, तो उसका तो कोई कॉन्क्रीट शेप होता नहीं है, सिर्फ केवल उसकी जो छाया है जो कि बाद में प्रकट होगी जब वो मटेरियलाइज होगी उसमें एक आकृति होती है, इमेज में कोई आकृति नहीं होती है। तो यहाँ एक मतलब यहाँ एक पैराडॉक्स है कि सिनेमेटिकली सिद्ध करूं और इसको मैं डॉक्यूमेंट्री से कैसे दिखाऊं, मतलब जो हो रहा है मेरे लिए, अब जो मैं वहां जा रहा हूं तो मेरे लिए वही घटना है जो कि पुनर्घटित हो रही है, कि देवता आए हैं, यज्ञ हो रहा है, एक सावित्री भी कहीं है, गायत्री भी कहीं है, वो गाय किधर है, वो इंद्र कौन है, वो गुजर कन्या कौन है, उस गुजरों के साथ कौन लोग हैं, भृगु ऋषि का आश्रम किधर है, तो मुझे वो प्रकट होना चाहिए मेरे लिए जब मैं वहां, मतलब मैं तो डॉक्यूमेंट्री के लिए जा रहा हूं, पर उनको मैं देखता हूं कि वो घटना जो है फिर से कैसे घटित हो रही है, क्योंकि ये जो रिकरेंस है और रिपीटेशन है एक ही मिथ का, और वो किस तरह से नए नए शरीर धारण करती है, मतलब आप इसको बोलते हैं मिथ एंड द मार्केटिंग, तो तुम्हारे पास एक मिथ होता है उसके इर्द गिर्द एक मार्केट पैदा होता है, जैसे होता है ना एडवर्टाइजिंग में कॉपी होती है, फिर तुम उसको डिज़ाइन बनाते हो, फिर उसकी मूवी बनती है, फिर वो पब्लिक पचाती है, और जो भी वो मिथ बेचती है उसको खाती है पीती है, उस मिथ में एक प्रॉमिस होता है उसको प्राप्त होती है। तो वो जो सिस्टम है मिथ एंड मार्केटिंग का, उसको मैं किस तरह से दिखाऊं? तो इसमें क्या है कि पुराने मिथ भी हैं, तो उस समय एडवर्टाइजिंग किस प्रकार से होती थी माइथोलॉजी में, मतलब वो एडवर्टाइजिंग का एक रूप है, क्योंकि उसमें भी तुमको वचन दे रहे हैं वो, और वो तुमको प्रॉमिस कर रहे हैं, और तुमको एक क्या बोलते हैं प्रॉमिस को हिंदी में, क्या बोलेंगे, एक प्रॉमिस को हिंदी में क्या बोल सकते हैं, एक वादा है, और वादा भी, और मतलब एक मतलब कुछ है, मतलब एश्योरेंस टाइप, हाँ एश्योरेंस भी, और एक सपना है,
एक सपना दे रहे हैं और उसको पूरा करते हैं वो। तो मैं कंटेम्पररी जो है अपने मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग और पुरानों में वही स्ट्रक्चर किस तरह से, या जो पुरानों में और समाज का संबंध जो है वो आज का एडवर्टाइजिंग और समाज का संबंध क्या है, वो किस तरह से करीब करीब एक ही प्रकार के हैं, तो उस तरह से। तो ये जैसे एक कथा है उसकी, तो ये वाला तो पद्म पुराण से लिया है, पर मैं इसके मतलब उसके जो इंटरप्रिटेशन है वो अपने तरीके से करना चाहता हूँ। तो मैं कोई स्टेज नहीं कर रहा हूँ, पर उनकी जो रेजोनेंस है मतलब उस भीड़ में या उस स्थान में, वो देखने की कोशिश करता हूँ। ये चीज देखने के लिए मैं करीब मतलब ओम दरबदर से इसी थीम पे लगा हुआ हूँ। तो पहली एक फिल्म बनाई थी मैंने PSBT के लिए, उसका नाम है इमेज मीट्स द शैडो, उसमें कुछ किया मैंने। उसमें जो फॉरेनर्स आते हैं उनको मैंने देवी देवता का, तो टूरिज्म और ये देवी देवता नीचे उतर रहा आ रहे हैं, तो उनको वो जो विदेशों से टूरिस्ट आते हैं ना उनकी तरह दिखाने की कोशिश की थी। और तो एक मौका वो मिला था। बाकी मैंने फिर एक स्क्रिप्ट लिखी थी ओम इन द सैटेलाइट सिटी, तो उसमें मैंने मतलब फिफ्थ एक्ट जो है उसकी कहानी पे मैंने काम किया है। तो उसमें मैंने कल्पना की है ये जो सैटेलाइट सिटी है, जो कि मतलब पुष्कर जो है जो कि अंतरिक्ष में स्थित है जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं, तो मैंने उसकी कल्पना की थी सैटेलाइट सिटी करके, तो उस पर एक स्क्रिप्ट लिखी थी। इस बार फिर से मिला आया था तो मैंने एक दोस्त है, मैंने बोला यार मैं कुछ बनाना चाहता हूँ। बोला बना तो क्या बनाओगे, तो मैंने बोला, उन्होंने इमेज मीट द शैडो देखी थी, तो उन्होंने बोला कि यार चलो पुष्कर में करते हैं, क्योंकि मैंने बोला का करके एक टेक्स्ट है वो मैं आजकल पढ़ रहा हूँ, मुझे बहुत पसंद है, तो उसको खोजते हैं पुष्कर में इस बार। तो उसने बोला चलो करते हैं। तो मैंने बोला इस बार दो कहानियों पर करूँगा, एक फिफ्थ हेड पर करूँगा। का टेक्स्ट बहुत सुंदर था, तो उसमें बहुत पोइटिक टेक्स्ट भी है और अश्वमेघ है उसमें। तो मैंने बोला मेला लगता है तो पशु पक्षियों का होता है, तो घोड़े आते हैं और गाय आते हैं और बैल आते हैं और तरह तरह के पशु पक्षी आते हैं और लोग आते हैं, सामग्रियां होती हैं। तो मुझे करीब करीब ऐसा लगा जैसे कि अश्वमेघ का दृश्य ऐसा दिखने लगा मेरे को। मैंने बोला तो फिर इस बार अश्वमेघ का करूँगा। तो हम लोग जितने भी घोड़ों की कथाएं थी, घोड़े वाले थे बेचने आते थे या उनकी रेसिंग होती थी उस तरह से करके, और जो स्त्रियां हैं वो जो उनकी नारियां हैं वो साथ में, तो उनको किसी तरह से जोड़ जाड़ के यहाँ तक कि मतलब कि पूरा की जो, और शुरू करते हैं प्रजापति से, तो प्रजापति वो घोड़े के साथ जोड़ते हैं ये का वाले आँखों के साथ और घोड़े के साथ, सफ़ेद घोड़े के साथ, सूर्य के साथ, तो जितने भी बिंब हैं घोड़े के साथ, सूर्य के साथ, सूर्य के साथ भी घोड़े के बिंब जुड़े हुए हैं, नेत्र के साथ, चलने के साथ, दौड़ने के साथ, स्पीड के साथ, तो वो जोड़ने लगे, ढूंढने लगे जितने भी बिंब हैं जो कि प्रजापति का स्थान ले सकते हैं। फिर जो भी शब्द आते हैं वहाँ, जैसे कि घोड़े को पहले छोड़ देने का, फिर उसको किस तरह से बांधा जाता है, गड्ढा खोदने का, उसके पैरों को पकड़ने का, फिर घोड़े के चिन्ह, उस अश्वमेघ के जो घोड़ा है उसमें क्या क्या चिन्ह होने चाहिए, उस प्रकार के घोड़े को ढूंढने का, और फिर उसको बांधने का, फिर उसको वो किस तरह से बलि वेदी पे ले जाते हैं उसका वर्णन, उसके पीछे जो लोग जाते हैं गाते बजाते हुए, फिर उसके पीछे नारियां जो चलती हैं, फिर जाके वो घोड़े को जो है ना नचवाते हैं, वो फिर जाके उसको लेटाया जाता है, फिर उसको जाके जो एक चुनरी होती है रानी की उससे उसका गला घोटा जाता है, फिर उसको रानी को उसके साथ लेटाया जाता है, फिर वो शिश्न जो है उसके रानी की योनि में प्रवेश किया जाता है, फिर जाके उस योनि में प्रवेश करके जो उसका वो एजुकेलेट करता घोड़ा, फिर उसको वो बालों के गुच्छे से
पहुंचती है, फिर दूसरी नारियों पे उसको स्प्रिंकल किया जाता है। तो ये मेरे को दिखने लगा, मतलब अभी वहाँ घोड़ा होता है, उसको नचवाते हैं ना पुष्कर में, फिर एक खटिया पे उस घोड़े को लेटाया जाता है, वो परफॉर्मेंस होते हैं, फिर जो घोड़ा वाला जो होता है ना वो उसके साथ में ले, तो पूरा के पूरा इस तरह से शूट किया कि जैसे कि बलि हो रही है किसी की, फिर उसको ले भी जाते हैं, जो घोड़ा जीतता है उसके पीछे नाचते गाते जाते हैं ना, जिसका घोड़ा नंबर वन आता है, उनको हमने उस कॉन्टेक्स्ट से निकाल के टैक्स लगा के इस कॉन्टेक्स्ट में जाके मोंटाज जिससे बोलते हैं ना, मोंटाज के प्रयोग से तो आप कुछ भी कुछ बता सकते हैं ना, झूठ तो झूठ बोलने का सबसे बड़ा साधन मोंटाज है सिनेमा में, तो उसमें तो आप दो चीज़ों को किसी कॉन्टेक्स्ट में ला के उसका कोई सा भी अर्थ निकाल सकते हैं। तो भरपूर बदमाशियां की उस टेक्स्ट के साथ। तो पर पुष्कर में तो हम लोग जानते हैं कि पुष्कर ऊंट का मेला से भी बहुत प्रसिद्ध है, ऊंटों की भी कहानियां ली हैं, पर ऊंट जो है ये क वाले ने ऊंट का नहीं किया, और ऊंट जो है पुराण कथाओं में इतना नहीं आता, पर जो उधर के जो रबारी हैं जो ऊंट वाले पालते हैं उनके पास बहुत कथाएं हैं उसमें। जैसे एक कथा है कि वो एक देवनारायण बाबा हैं वहाँ, तो देवता हैं, तो उनकी किसी भतीजी या किसी की शादी हो रही थी, तो उनकी शादी वगैरह हो रही थी, तो वो बोले कि दहेज के लिए, तो अब मतलब लोग जो है ना दहेज में घोड़ी बकरी ये वो तरह तरह के पशु देते हैं, पर मुझे ऐसा पशु चाहिए, तो उसने वर्णन किया ऊंट का, तो ऐसा पशु तो सिर्फ जो है ना मतलब कहाँ कोई किसी और देश में मिलता था, तो उनको पता पड़ा कि लंका में मिलता है वो उस तरह का पशु, तो ये लोग जो है ना लंका गए और वहाँ से ऊंट का एक स्पेसिमेन लेके आए, तो अभी ऊंट को लाएं कैसे लंका और हिंदुस्तान में मतलब भारत में, तो उन्होंने क्या किया कि ब्रिज बनाया, एक मोर पंखों का एक ब्रिज जो है ना पुल बनाया, तो उस पे जो है ना ऊंट चल के आया, ऊंटनी या ऊंट जो भी है, तो वो जो मोर पंख है उस पर आप देखते होंगे कि ऊंट का पग है उसका जो एक ऐसा होता है, और उसके पीछे घोड़े जिस पर आ रहे थे, तो घोड़े की जो नाल होती है ना वो कटार की तरह होती है, तो मोर पंख जो होता है उस पर दोनों के दोनों आपको दिखेंगे, तो ये कल्पना हम लोगों ने रखी है फिल्म में ऊंट की, पर अधिकतर कल्पना है मतलब गाय और घोड़े पे है, कुछ बंदरों पे बहुत है क्योंकि शुरू में जब हमने दिखाया कि पुष्कर छाया मात्र है तो पूरा शहर खाली दिखाया, मतलब पूरा शहर कोई मानव नहीं दिखेगा आपको, कोई मनुष्य नहीं दिखेगा, सिर्फ आप बंदर है, चिड़ियां हैं और बिल्लियां हैं, मछलियां हैं, इस तरह के प्राणी रहते हैं। शुरू में हम लोगों ने वहीं से किया, और एक लड़की रहती है और वो सुन रही है सब, धीरे धीरे उसकी कानों में कुछ आवाज़ें आती हैं और ऊँटों की आवाज़, तो धीरे धीरे फिर जो ऊँट आना शुरू होते हैं, घोड़े आना शुरू होते हैं, धीरे धीरे मेला बढ़ने लगता है, फिर लोग बाग जो है ना डुबकी मारते हैं पानी में, और फिर थड़ाक से जाके पुष्कर एकदम फिर से गायब हो जाता है, तो बाकी सिर्फ ये लड़की रहती है और वही पशु पक्षी रहते हैं, और बाकी उड़ जाता है जैसे कि कोई मतलब क्या बोलते हैं एवोपरेट हो जाता है, कुछ बाष्पित हो जाता है, उस तरह का फॉर्म है, और जो वाहन है जो देवी देवताओं के आने के तरीके जो हैं किन वाहनों में आए, तो वो हम लोगों ने जो बिग व्हील्स होते हैं ना बड़े बड़े वो बिग व्हील्स होते हैं और जहाज वाले होते हैं घोड़े वाले होते हैं, उनको हम लोगों ने वाहनों का प्रतीक मान के किया। ये जो मिथ को जो है ना वो और परफेक्ट करते जा रहे हैं, जैसे कि अब पिछली बार मैं गया था तो वहाँ उन्होंने जो आर्मी के लोग थे जो पैराशूटर्स उनको हेलीकॉप्टर से उतारा था और उनको देवी देवताओं की ड्रेस पहना के, मतलब ब्रह्मा जी विष्णु भगवान शिव जी भगवान, तो तुम्हारे पास ये सीन आ रहा था
कि वो हेलीकॉप्टर है ऊपर आकाश में, वहां से पैराशूटर्स कूद रहे और वो सोल्जर्स नहीं थे, वो देवी देवता थे। तो लगा कि सारा का सारा जो है ना स्वर्ग जो है ना नीचे उतर रहा है। तो उनके पास एक मिथ है, टूरिज्म वालों के पास, वो उसको परफेक्ट करते रहते हैं, उसमें जितने भी प्रकार की इमेजरी है उनको भरते रहते हैं। अभी जैसे वहाँ सावित्री पहाड़ था तो वहाँ जाना बहुत मुश्किल है, तो वहाँ उन्होंने जो अपने वो लगाते हैं ना वो जो छोटे छोटे वो नीचे वो लगाते हैं ना पहाड़ पे जाने के उतरने के वो लगाते हैं, तो वो एक बड़ी सी मशीन लगाई है उन्होंने, वो तो बड़ा सा व्हील है और वहाँ से आप सीधे पुष्कर आ सकते हो। तो वो करीब करीब ऐसे ही लगता है कि मतलब कि ऊपर से कोई नीचे आ रहा है, तो वो मिथ को परफेक्ट करते जाते हैं। और टूरिस्ट आते हैं अंग्रेज, और तो वो जो परफेक्शन है, फिर साथ में जो उनके परफॉर्मेंस होते हैं मेले में, तो हर प्रकार की जातियाँ आती हैं, हर प्रकार के आर्टिस्ट आते हैं। फिर वहाँ पूरे भी जो मतलब पुष्कर में तरह तरह की जातियाँ जो हैं, उनके जो राष्ट्र मतलब सालाना सम्मेलन जो होते हैं वो पुष्कर में होते हैं, क्योंकि उनकी धर्मशाला है, गुजरों की, मगही ब्राह्मणों की, ओस वालों की, जाटों की, तो उनके उधर जाके मतलब सालाना सम्मेलन होते हैं। तो वो करीब करीब वैसा ही हो जाता है कि मतलब पूरा भारत जो है ना पुष्कर आ रहा है, और देख चूंकि देवी देवता भी आए हुए हैं, क्योंकि पुष्कर जो है राजस्थान में रजवाड़े हैं, मतलब जयपुर है, जोधपुर है, उदयपुर है, पर पुष्कर में कभी रजवाड़ा नहीं है, मतलब वो एक इंडिपेंडेंट राज्य हुआ करते थे रिपब्लिक की तरह, मतलब वहाँ किसी राजा का अंकुश नहीं होता था, तो रिपब्लिक है। तो वहाँ जाके एक न्यूट्रल स्पेस है जहाँ के आप आके मतलब नेगोशिएट कर सकते हो। तो ये लोग जो हैं टूरिज्म वाले वो समझते हैं ये बातें। सिर्फ ये है कि पहले जो था पुष्कर में राज पंडों का हुआ करता था, मतलब रिलीजियस इम्पोर्टेंस थी, अभी वो स्पेक्टिकल है, पर अभी कंट्रोल जो है वो टूरिज्म का है, और जो क्या क्या बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री जो होता है कैटल वाले, उन लोगों का ज़्यादा होता है। तो ये थोड़े पंडे चिंतित होते हैं, पर क्या है कि टूरिज्म से उनको भी दो पैसा मिल जाता है। ये तो प्राचीन युग में क्या होता था, ये जो ब्राह्मण और पंडे होते थे ना, ये गांव वालों की ज़मीन का हिसाब, उनके वंशावली का हिसाब यही लोग रखते थे। तो गांव वाले इनके पास आते थे, नहाते थे, कुछ धार्मिक कर्म करते थे, पर वो उनके कुलकर्णी होते थे ये पंडे। अब वो फंक्शन धीरे धीरे खत्म हो गया है।